साथियों, प्रयागराज शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र है, यहां के युवा कभी भूल नहीं सकते सपा सरकार कैसे आपके सपनों का सौदा करती थी। मेहनत आपकी, योग्यता आपकी, लेकिन नौकरी किसी और को मिलती थी। नौकरी दी जाती थी जाति देख करके, नौकरी मिलती थी घूस देने वालों को। यूपी पीएससी को इन लोगों ने परिवार सर्विस कमीशन बना दिया था। यूपी की कितनी प्रतिभाओं का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। साथियों, इंडी गठबंधन वालों की नाव डूब रही है। इनका एक ही सहारा है, झूठ, लगातार झूठ, हर जगह पे झूठ, बार बार झूठ। ये संविधान को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं। संविधान को किससे खतरा है ये प्रयागराज से बेहतर कौन बताएगा? आप जरा बताइए, आपातकाल लगाकर संविधान को बदलने की साजिश किसने की थी? यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस की तानाशाही पर लगाम लगाई थी। रायबरेली में लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की गई थी। हाईकोर्ट ने उस चुनाव को रद्द करके इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। भाइयों और बहनों, इतने साल बीत गए लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं बदला। बाबा साहब आम्बेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस सपा वाले संविधान के खिलाफ जाकर दलितों, पिछड़ों का आरक्षण अपने वोट बैंक को वोट जिहाद वालों को देने की तैयारी में है। कर्नाटक में तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटा मुसलमानों को दे दिया है। अब यही काम ये देश भर में करना चाहते हैं, लेकिन मोदी आज प्रयागराज के धरती पर गारंटी देवे आवा है। मैं दलितों, पिछड़ों का आरक्षण इन लोगों को छीनने नहीं दूंगा, और ये मोदी की गारंटी है।